हेलो वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या सीखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कीबोर्ड खरीदा गया है जिसकी प्राइस 220 रुपये है। और अगर हम कीबोर्ड खरीदते हैं 5 आइटम तो यहाँ पर 1% का डिस्काउंट मिल रहा है। अगर हम माउस खरीदते हैं 10 आइटम तो 2% का डिस्काउंट मिल रहा है। माइक्रोफोन खरीदते हैं 50 आइटम तो भी 2% का डिस्काउंट मिल रहा है। और यहाँ पर हेडफोन देख सकते हैं, अगर हम 120 आइटम खरीदते हैं इसके तो 5% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो ये क्या चक्कर है, ये कैसे आया, आइए आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कीबोर्ड, तो ये लिखा मैंने कीबोर्ड कुछ इस तरीके से, और यहाँ कीबोर्ड की जो प्राइस है वो आ जाएगी। तो यहाँ पर 220 रुपये मान लीजिए कीबोर्ड की प्राइस डाल दी, और यहाँ पर देखिए एक कीबोर्ड परचेस कर रहे हैं तो यहाँ ऑटोमेटिकली डिस्काउंट 1% आ गया, देख रहे हैं। और अगर मान लीजिए कि यहाँ एक के बजाय मैं लिख देता 10 तो यहाँ पे क्या डिस्काउंट आता, यहाँ पर ऑटोमेटिकली 2% आ जा रहा है, ठीक है। और अगर इसको फिर हटा देता हूं और यहाँ पे 100 आइटम लिख देता हूं तो कितना डिस्काउंट हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली 5% आ जा रहा है। तो ये कैसे किया मैंने, तो सेम डेटा मैंने कॉपी किया, यहाँ पर लगाकर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्काउंट, ठीक है। तो ये लिखा मैंने डिस्काउंट, और यहाँ पर आपको क्या करना है, इफ का यूज करना है। कैसे करना है मैं बताता हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। इफ लगाया हमने, ब्रैकेट को ओपन किया, यहाँ पर इस यूनिट को सेलेक्ट कर लीजिए, कहिए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, सिंपली ऐसे कहिए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 100, ठीक है। तो यहाँ पर हम कितना परसेंट डिस्काउंट देने वाले हैं, तो यहाँ पर हम डिस्काउंट दे देते हैं 5%। तो ये लगा दिया 5% डिस्काउंट, आगे लिख देता हूँ डिस्काउंट, ठीक है, पूरा इस तरीके से लिखता हूँ मैं। तो ये लिख दिया 5% डिस्काउंट, ठीक है, कॉमा देंगे, फिर इफ लगाता हूँ, ये इफ लगा लिया, फिर इसी को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे देना है इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। इस बार क्या करता हूँ, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कर देता हूँ 50, तो यहाँ पर 2% का डिस्काउंट लगा देते हैं कुछ इस तरीके से। ये देखिए ये 2% का डिस्काउंट लगा रहा हूँ, ये लिखा मैंने 2% डिस्काउंट, 2% डिस्काउंट लिख दिया हमने। और 2% डिस्काउंट लिखने के बाद देखिए इफ में दो कंडीशन होती है, एक ट्रू की और दूसरी फॉल्स की। अगर इसमें से कोई भी कंडीशन मैच ना करे तो यहाँ पर कर देता हूँ 1% डिस्काउंट, ठीक है, 1% डिस्काउंट कर देता हूं। तो ये लिख दिया मैंने 1% डिस्काउंट, तो कुछ इस तरीके से आप दे सकते हैं। और इसको बंद करिए, एंटर प्रेस कीजिए दो ब्रैकेट क्लोज करके, तो यहां पे देखिएगा, तो ये देखिए ये 10 से कम है ना, तो यहां 1% डिस्काउंट ऑटोमेटिकली आ जा रहा है। इस पर डबल क्लिक करता हूं तो ये देखिए 1%, 1%, और यहां पर 10 ही आइटम है तो यहाँ पे 1% आ रहा है, ठीक है। अगर 10 से ज्यादा होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कंडीशन क्या दी है मैंने, उस पर डिपेंड करता है, टू करके कंडीशन को एडिट करता हूँ, दिखाता हूँ। यहाँ देखिए 100 आइटम या 100 से ज्यादा आइटम होगा तो 5% का डिस्काउंट लगेगा, ठीक है। और यहाँ 50 आइटम होगा या 50 से ज्यादा आइटम होगा तो 2% का डिस्काउंट लगेगा, और 10 आइटम होगा तो भाई 1% का डिस्काउंट लगेगा। तो उसी के हिसाब से ये कैलकुलेट करके दे रहा है ना इजी। तो मुझे बताइएगा जरूर ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।